दोस्तों, हमारे सौरमंडल और सौरमंडल के ग्रह की जितनी बातें करूं उतनी कम है, पर आज हम इस वीडियो में सौरमंडल के ग्रह के विषय में कुछ नई बातें जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हर ग्रह कितनी तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है और उस ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में कितने दिन होते हैं। दूसरी बात, हर ग्रह कितने किलोग्राम का है। तीसरी बात, उस ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था और कब। चौथी बात, उस ग्रह के कितने अंदरूनी परतें हैं। और पांचवी बात, उस ग्रह की एक खास बात जिसे वह ग्रह पहचाना जाता है। सबसे पहले हम बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 1,72,404 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है और अपनी जगह 10.83 किलोमीटर प्रति घंटे से घूमता है। पृथ्वी के 365 दिन के मुताबिक बुध ग्रह पर करीब करीब सिर्फ 7 दिन होते हैं, यानी पृथ्वी के 1 साल बराबर बुध ग्रह के 7 दिन होते हैं। बुध ग्रह के वजन की बात करूँ तो बुध ग्रह का वजन कुछ इतना है। बुध ग्रह को सबसे पहले 17वीं सदी में गैलीलियो गैलीली ने अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से देखा था। बुध ग्रह के कुल 3 अंदरूनी परतें हैं। बुध ग्रह की खास बात यह है कि बुध बाकी 8 ग्रहों से सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। बुध ग्रह भी हमारे चांद जैसा ही है। बुध ग्रह पर भी सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं। अभी हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 1,26,108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है और अपनी ही जगह 6.52 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से घूमता है। पृथ्वी के 365 दिन के मुताबिक शुक्र ग्रह पर सिर्फ 1.5 दिन होते हैं, यानी पृथ्वी का 1 साल बराबर शुक्र ग्रह का 1.5 दिन होता है। शुक्र ग्रह का वजन कुछ इतना किलोग्राम है। शुक्र ग्रह के कुल 4 अंदरूनी परत है। शुक्र ग्रह को पहली बार 1610 में गैलीलियो गैलीनी ने अपने टेलीस्कोप से देखा था। शुक्र ग्रह की खास बात यह है कि यह ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मोटी परत है कि सूर्य की गर्मी इस ग्रह पर पड़ती है, पर गर्मी फिर अंतरिक्ष में नहीं जाती। और एक खास बात यह है कि यह ग्रह बाकी अन्य ग्रह से उल्टा घूमता है, यानी शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होता है। अभी हम पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1,07,244 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाती है और अपनी ही जगह 1,674 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से घूमती है। पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है और 1 साल 365 दिन का होता है, यह तो हम सबको पता ही है। पृथ्वी के कुल 5 अंदरूनी परत है। पृथ्वी की खास बात यह है कि पृथ्वी पर फैक्ट्स नोइंग के वीडियो देखने वाले लोग रहते हैं, यानी लिविंग थिंग्स जस्ट जोकिंग। अभी हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 86,867 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाता है और अपनी ही जगह पर 866 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से घूमता है। पृथ्वी के 365 दिन के मुताबिक मंगल ग्रह पर 343 दिन होते हैं, यानी पृथ्वी का 1 साल बराबर मंगल ग्रह के 343 दिन होते हैं। मंगल ग्रह का वजन कुछ इतना किलोग्राम है। मंगल ग्रह को भी शुक्र ग्रह के साथ 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से देखा था। मंगल ग्रह के कुल 3 मुख्य परतें हैं। मंगल ग्रह की खास बात यह है कि यह लाल ग्रह से जाना जाता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और मंगल ग्रह पर 22 किलोमीटर ऊंचा ज्वालामुखी का पहाड़ है, जो कि पृथ्वी के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना बड़ा है। आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। अभी हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 47,016 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाता है और अपनी ही जगह 45,583 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से घूमता है। पृथ्वी के 365 दिन के मुताबिक बृहस्पति ग्रह पर 916 दिन होते हैं, यानी पृथ्वी का 1 साल बराबर बृहस्पति के 916 दिन होते हैं। बृहस्पति ग्रह का वजन बाकी सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा है। बृहस्पति ग्रह के कुल 4 अंदरूनी परतें हैं।
बृहस्पति ग्रह को भी सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1609 में पहली बार अपने टेलीस्कोप से देखा था। बृहस्पति ग्रह की खास बात यह है कि यह ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति के अपने ग्रेट रेड स्पॉट के कारण जाना जाता है। आपको बता दूं कि यह रेड स्पॉट पृथ्वी के व्यास से 103 गुना बड़ा है। अभी हम शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 34,705 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाता है और अपनी ही जगह 36,840 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से घूमता है। पृथ्वी के 365 दिन के मुताबिक शनि ग्रह पर 846 दिन होते हैं, यानी पृथ्वी का एक साल यानी शनि के 846 दिन होते हैं। शनि ग्रह का वजन कुछ इतना किलोग्राम है। शनि ग्रह के कुल चार अंदरूनी परतें हैं। शनि ग्रह को भी सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1610 में पहली बार अपने टेलीस्कोप से देखा था। शनि ग्रह की खास बात यह है कि शनि ग्रह को इतनी बड़ी रिंग है जो कि किसी अन्य ग्रह को नहीं है। अभी हम अरुण ग्रह की बात करते हैं। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 24,516 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाता है और अपनी ही जगह 14,794 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से घूमता है। पृथ्वी के 365 दिन के मुताबिक अरुण ग्रह पर 511 दिन होते हैं। पर अरुण ग्रह के 97.77 डिग्री झुका के कारण पृथ्वी के 84 साल में अरुण ग्रह पर एक दिन और एक रात होती है, यानी पृथ्वी के 42 साल तक दिन और 42 साल तक रात होती है। यही खास बात है अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह का वजन कुछ इतना है। अरुण ग्रह को सबसे पहले विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में सबसे पहले अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से देखा था। अरुण ग्रह के कुल चार अंदरूनी परतें हैं। अभी हम वरुण ग्रह की बात करते हैं। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 19,548 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाता है और अपनी ही जगह 9,719 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। 365 दिन के मुताबिक वरुण ग्रह पर 562 दिन होते हैं, यानी पृथ्वी का एक साल यानी वरुण ग्रह के 562 दिन। वरुण ग्रह का वजन कुछ इतना है और वरुण ग्रह के कुल चार अंदरूनी परतें हैं। वरुण ग्रह को भी सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1612 में पहली बार अपने टेलीस्कोप से देखा था। वरुण ग्रह की खास बात यह है कि वरुण ग्रह नीला दिखाई देता है। यह इसलिए कि वरुण ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की मात्रा ज़्यादा है, इसी कारण वरुण ग्रह नीला दिखाई देता है। और बृहस्पति ग्रह की तरह वरुण ग्रह पर भी एक स्पॉट है जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहते हैं। यह दरअसल उस जगह पर सबसे ज़्यादा तेजी से हवा चलने के कारण सफ़ेद धब्बा बन जाता है। अभी हम यम ग्रह यानी प्लूटो के विषय में बात करते हैं। यम ग्रह सूर्य की परिक्रमा 17,064 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाता है और अपनी ही जगह 76.16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। पृथ्वी के 365 दिन के मुताबिक यम ग्रह पर 57 दिन होते हैं, यानी पृथ्वी का एक साल यम ग्रह के 57 दिन के बराबर होता है। यम ग्रह का वजन कुछ इतना किलोग्राम है। यम ग्रह के कुल तीन अंदरूनी परतें हैं। यम ग्रह को सबसे पहले 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने देखा था। यम ग्रह की खास बात यह है कि यम ग्रह बहुत छोटा ग्रह है। पहले यम ग्रह सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, पर 2006 में यम ग्रह से ग्रह की उपाधि वापस ली गई और उसे ड्राफ्ट प्लैनेट यानी बौना ग्रह घोषित किया गया। प्लूटो के विषय में अगर आप और भी जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर मैं सौरमंडल की बात करूँ तो हमारा सौरमंडल सूर्य से 143.73 बिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। सौरमंडल का वजन लगभग इतना किलोग्राम है। हमारा पूरा सौरमंडल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और यह 792,000 प्रति घंटे की तेजी से चक्कर लगाता है। और सौरमंडल को पूरा एक चक्कर लगाने में 225 से 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। आपको बता दूं कि
हमारे सौरमंडल में अब तक तो 7,96,354 ग्रह, 575 उपग्रह और 4,143 धूमकेतु की खोज हुई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।